ये हमेशा ही होता है, जब भी मैं सेम ब्रांड का दो वेरिएंट यूज करती हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, तो लोग कंपेयर करने लगते हैं कि ये वाला अच्छा है या वो वाला अच्छा है। तो मैंने सोचा कि यार इससे पहले कि मेरा कोई फेस वॉश खत्म हो जाए, चलो फटाफट से एक वॉश से शेयर कर देती हूँ, लाइक दोनों को कंपेयर कर देंगे कि कौन सा अच्छा है, जैसे कि अगर आपके मन में भी डाउट्स है कि कौन सा मंगाओ, तो वो डाउट क्लियर हो जाए। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एंड दोनों की कैप जो है वो गायब हो चुकी है। किस किस के साथ ऐसा होता है, लाइक जब भी पैकेजिंग कुछ ऐसी हो तो उसका ढक्कन गायब होना ही होता है, इसके साथ भी ऐसा हो चुका है। चलो फटाफट से अभी कंपेयर कर लेते हैं इससे पहले कि ये बॉटल्स भी गायब हो जाए, फेस वॉशेस भी खत्म हो जाए। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं किसी भी फेस वॉश के बारे में डिटेल में नहीं बात करने वाली, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखना है। एंड साथ ही क्योंकि मैंने दोनों का रिव्यू ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, लिंक मैं एपिटन पर दे दूँगी, तो अगर आप तो डिटेल में जानना चाहते हो तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। स्किप करके देख लेना यार, 2x की स्पीड पे देख लेना, 4x की स्पीड पे देख लेना। एंड आज मैं जस्ट कंपेयर करने वाली हूँ, बेसिक जो इसके मेन पॉइंट्स है बता दूंगी, जिससे कि आपको चूज करने में थोड़ा सा ईजी हो। प्राइस की बात करते यार, दोनों की प्राइस सेम है, पैकेजिंग सेम है, ब्रांड सेम है, दोनों डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हैं एंड दोनों ही ऑल स्किन टाइप है। अगर आपको एक्ने, पिंपल, ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है, तब आप ये एंटी एक्ने फेस वॉश यूज कर सकते हो। एंड ये हाइड्रेटिंग वाला जो फेस वॉश है वो आपकी स्किन को कहीं ना कहीं नरिश करने वाला है, बट अगर आपके स्किन पे कोई स्किन प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट नहीं करेगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है, डल हो गई है फेस वॉश करने के बाद, स्किन इरिटेटेड से फील होती है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। इसको भी यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है एंड उस पर एक्ने और पिंपल वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ब्रेकआउट्स की अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो। इसको आप प्यूरिफाइंग फेस वॉश कह सकते हो। अगर आपको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप ये वाला फेस वॉश यूज करो। एंड अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है, आप जस्ट एक अच्छा सा जेल क्लीनर ढूंढ रहे हो जो कि आपकी स्किन को स्मूथ करे, ग्लोइंग बनाए, हाइड्रेट करे, तो आप ये वाला फेस वॉश यूज कर सकते हो। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन कैंसर करने वाली हूँ, दोनों में से बेटर कौन है? देखो दोनों ही बेस्ट है अपनी जगह पे, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर सकती। ये जस्ट आपके स्किन कंसर्न पे डिपेंड करता है, आपके स्किन टाइप पे डिपेंड करता है, आपके नीड्स पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। दोनों फेस वॉशेज जो है वो बेस्ट है, बहुत ही अमेजिंग वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये वाला फेस वॉश जो है वो यूज करने के बाद आपकी स्किन इंस्टेंटली बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड सी हो जाती है एंड वो सॉफ्टनेस आप फील कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है जब आप इसको यूज करते हो। तो ऐसा अगर आप ये वाला फेस वॉश यूज करते हो तो आपको इंस्टेंटली बहुत ही रिफ्रेशिंग सा इफेक्ट आता है। तो अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्वेटी सा अगर आपका फेस हुआ है, मैं आपको ये वाला फेस वॉश रिकमेंड करूंगी। साथ ही अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है, ब्रेकआउट, पिंपल, कुछ भी ब्लेमिशेस है, स्किन इरिटेटेड है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला फेस वॉश यूज करो। अगेन अगर ड्राइनेस रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो ये वाला यूज करो। दोनों ही फेस वॉशेज बेस्ट हैं। एंड या अभी आई एम श्योर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा, बट स्टिल अगर इन दोनों से रिलेटेड अगर आपके मन में अभी कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आराम से पूछ सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर लेना। एंड साथ ही अगर आप मुझे कोई भी ब्रांड और प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, नेक्स्ट वीडियो हो सकती है कि मैं उसी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर कर दूँ। सो बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।